गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ योर भरत सर एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर ब्यूटीफुल चैनल ऑप्टिमल लर्निंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने बात किया था फोर्सेस के रिगार्डिंग में और मैंने आपको बताया था हम लोग को दो फोर्सेस के साथ में मेनली डील करना है। दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, कौन कौन सा? फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट, सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर पे हम लोग को पढ़ना रहता है नॉर्मल फोर्स के बारे में, जो दो ब्लॉक्स के बीच में या दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगता है। टेंशन लगती रस्सियों के बीच में, रोप के बीच में। स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में बात करना है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है, उसके डायरेक्शन को अपोज करता है और बड़ी काम की चीज़ है। और श्री श्री फ्रिक्शन जी के बारे में हमको बात करना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, जो कि इसी चैप्टर में हमको डील करना है। फ्रिक्शन को एक सेपरेट चैप्टर की तरह डील करेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है। ओके, फिफ्थ नॉन कॉन्टैक्ट की मैं बात करूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इलेवंथ में हमको देखते हुए चलना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर रहेगा, दो चार्जेस के बीच में लगता है और मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। थर्ड मैग्नेटिक फोर्स, जो दो पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल्स जैसे होते हैं उनके बीच में लगता है मैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ इज न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक दूसरे के साथ में बांध के रखता है। ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। जनरली न्यूक्लियर फोर्स दो होते हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स बेटा बीटा डीके के साथ में निकलता है, बीटा डीके के टाइम पर होता है। जब बीटा डीके होता है उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है उसके साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल जब बाहर निकलता है, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगता रहता है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका रेंज काफ़ी कम होता है, लगभग 10^-16 मीटर के अबाउट में होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम है न्यूक्लियस को बांध के रखना। किसको? न्यूक्लियस को बांध कर रखना, जिसके कारण से न्यूक्लियस स्टेबलाइज हो पाता है। अदरवाइज प्रोटॉन का रिपल्सन अगर हैवियर हो गया तो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी चला जाएगा, जो कि हमारे लिए घातक साबित होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट पर बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है? एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, मिनिमम टू बॉडीज के बीच में लगता है। कम से कम दो बॉडी होना चाहिए या फिर दो बॉडी होना चाहिए या फिर एक बॉडी और एक सरफेस होना चाहिए। दोनों का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉडी ये सरफेस, इनके बीच में नॉर्मल लगेगा? हाँ लगेगा। दो बॉडीज हैं उनके बीच में नॉर्मल लगेगा? हाँ लगेगा। दो बॉडीज के बीच जो कॉन्टैक्ट पे रहेंगे उनके बीच में नॉर्मल लगेगा। सेकेंड पॉइंट, इट इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पर ये बॉडी सरफेस के कॉन्टैक्ट पर है, ये जैसे मास एम नाम की एक बॉडी है जो कि अर्थ के कॉन्टैक्ट पर है, तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। लाइक ये दोनों है तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और पॉइंट के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इन दोनों के बीच का, इसके परपेंडिकुलर। ये जो पॉइंट है टच हुआ है इसके परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट है टच हुआ है इसके परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है टच हुआ है, ये जो सरफेस टच हुआ है ये वाला उसी के परपेंडिकुलर। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है। नंबर थर्ड, एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर में एग्जिस्ट होता है। जैसे कि हमारा एक अगर एक बक्सा को रख दिया हूँ, मास एम है तो नीचे एक फोर्स लगाएगा एम जी का, उसको बैलेंस करने के लिए ही हमारा नॉर्मल फोर्स का इजाद हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर और देखें, ये पेयर में एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ करता है। जैसे कि दो बॉडी है तो इसके कारण से ये सरफेस कॉन्टैक्ट पर है, तो इसके कॉन्टैक्ट के कारण से यहाँ पर N1 आया, तो इसी का N1 वाला जो दूसरा पेयर है वो इस बॉडी के ऊपर लग रहा होगा। अगर इसके कारण से N2, जमीन के कारण से N2 अगर ऊपर आया, अब साइड में इसलिए दिखाऊं क्योंकि यहाँ पर हॉच पॉच हो जाएगा, ये एक्चुअली सेंटर से लग रहा है, तो सेंटर से अगर N2 लग रहा है तो उसके नीचे उसका पेयर N2 एग्जिस्ट करेगा। मतलब पेयर में एग्जिस्ट करते हैं क्या? यस, दे एग्जिस्ट इन पेयर। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, तो इधर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का सरफेस है, इधर N1 आया तो उसका भी N1 का वैल्यू बराबर रहेगा, भाई वैल्यू बराबर रहेगा, तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। यस, ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस है, इधर भी एक फोर्स N लगेगा सरफेस के ऊपर द्वारा, बॉल के द्वारा। ओके, अगर एक इंक्लाइन प्लेन पर है तो इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, तो अगर उसके परपेंडिकुलर N लगता है तो उसके नीचे भी N लग रहा होगा। यस, दे एग्जिस्ट इन पेयर। बात कर लेता हूँ, दो मिनिमम टू बॉडीज के साथ में लगता है, परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लगता है, एंड एग्जिस्ट इन पेयर। ओके, न्यूमेरिकल पे बात करने वाले हैं नॉर्मल के रिगार्डिंग ही, क्यों? उस चीज़ को समझने के बाद हमारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रहनी चाहिए ताकि हम उस चीज़ को और अच्छे से इलाबरेट कर पाए, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है फिजिक्स में। सो जो नॉर्मल हमने सीखा था उसका अब न्यूमेरिकल में कैसे एप्लीकेशंस यूज होंगे उसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ एक बक्सा रख दिया गया है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर रख दिया गया है तो इसमें पूछा गया है कि नॉर्मल का वैल्यू बता दो आप हमको,
केजी 1 केजी का है तो नीचे फोर्स कितना लगाएगा, मास इंटू जी, मास कितना है 1 केजी का, जी कितना है 10, सो नॉर्मल आएगा 10 न्यूटन। ये तो वेरी सिंपल है, हम सब जानते हैं कि ये भी है। ओके ठीक है, नंबर टू, यहाँ पर अब एक नहीं तीन तीन बक्से रखे हुए हैं 1 केजी के, 2 केजी के और 3 केजी के, और हमको हर पॉइंट पर निकालने बोल रहे हैं, इस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर नॉर्मल निकालने की बात करने बोल रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर टॉप पर निकालने के लिए बोले तो टॉप पर हम कैसे निकालेंगे बेटा, कि कितना केजी का है, 1 केजी का है तो नॉर्मल कितना आएगा, एम जी लग रहा होगा बॉटम पर, तो उसका कितना आ जाएगा एम इंटू जी, मास 1 केजी का और 10 न्यूटन का, सो 10 उसका जी है तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पर निकालने बोलूँ तो यहाँ पर 2 बस नहीं आएगा, उसके साथ 2 के साथ साथ 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि धरती माता को इन दोनों का बोझ को एक साथ लेना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पर का नॉर्मल निकालने के लिए बोलूँ, डायरेक्शन अपवर्ड है भाई, मैं साइड से निकालने के लिए बोल रहा हूँ ताकि हॉच पॉच ना हो। तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 दोनों को ऐड करोगे मल्टीप्लाइड बाई जी, 30 न्यूटन। अगर यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर का नॉर्मल पूछा तो कितने का बोझ उठाना पड़ रहा होगा धरती माता को, 1, 2 और 3, तीनों का बोझ उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण से हो जाएगा अपना नॉर्मल का टोटल वैल्यू 60। यही वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपके कंधे के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है और पूछा जा रहा है कि बताओ आपकी रीडिंग कितनी आ रही होगी, तो रीडिंग कितनी आ रही होगी, आपका वेट प्लस बच्चे का वेट, दोनों का वेट आ रहा होगा, वैसा ही केस का कंडीशन है। ओके, अब हम बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन के बारे में। इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा है, मास एम रखा हुआ है, पूछ रहा है नॉर्मल का वैल्यू क्या है। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा बेटा, ये एंगल थीटा तो अपोजिट एंगल से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और जब मैं एम जी को अगर मैं तोड़ूं तो दो भाग में मैं तोड़ सकता हूं, एक थीटा तो एम जी कॉस थीटा और दूसरा एम जी साइन थीटा। यहां पर जो एम जी साइन थीटा है वो बेटा ड्राइविंग फोर्स है, जिसका हमें अभी कुछ काम नहीं है। ओके, और एम जी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा। न्यूमेरिकल वैल्यू में समझना चाहें, थीटा का वैल्यू 37 दे दिया है, तो जी कॉस थीटा टू 10 इंटू कॉस थीटा कितना, 4, कॉस 37 कितना बेटा 4/5 बराबर 8, तो डाउनवर्ड साइड में कितना लग रहा होगा, 8 लग रहा होगा। और जी साइन थीटा 10 इंटू 3/5 कितना, 6, तो इस साइड में कितना लग रहा होगा, 6 लग रहा होगा। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना है, 1 केजी का है और 8 से नीचे लग रहा है, इस साइड में लग रहा है 8 से, सो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 × 8 न्यूटन। हाउ मच, 8 न्यूटन। अगर यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बोले 53 पर तो क्या करेंगे, 1 केजी का है। ओके, 53 के लिए अगेन इधर जी कॉस 53, जी का वैल्यू कितना बेटा, 10 कॉस 53 कितना, 3/5 तो कितना आएगा इधर, 6, और इस साइड में अपना जी साइन थीटा तो 10 इंटू 3/5 कितना आएगा, ये साइन थीटा है ना, 4/5 तो कितना हो जाएगा ये, 8, तो वही चीज़ 8 इधर और 6 इधर। ओके, तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास इंटू 6, जिससे नीचे फोर्स लग रहा है, किससे लग रहा है, 6 से लग रहा है, सो मास इंटू 6 कितना आ रहा है, 6 न्यूटन। ओके, अब एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है, जब अब फोर्स ऊपर नीचे नहीं लग रहा है, किसी एक एंगल पे लग रहा है, एक एंगल पे लगे तो तुरंत एफ कॉस थीटा और उसके वर्टिकल वाले साइड को एफ साइन थीटा। क्यों, फिजिक्स का रूल आपको बताऊं कि सीधा है तो छोड़ दो, टेढ़ा है तो तोड़ दो। ओके, तो टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है इसलिए तोड़ा, कॉस थीटा में और साइन थीटा में, कॉस थीटा में और साइन थीटा में। ओके, तो नॉर्मल का वैल्यू ऊपर साइड में लग रहा होगा, एम जी नीचे साइड में, तो एम जी नीचे, नॉर्मल का वैल्यू निकालना है तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। अभी एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा है इसलिए माइनस, एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा है इसलिए माइनस, एम जी नीचे, एफ साइन थीटा ऊपर इसलिए माइनस। अब वही चीज यहां पर भी टेढ़ा, लेकिन ये दबाते हुए फोर्स लग रहा है एंगल थीटा से, इसको भी कंपोनेंट में थोड़ा, एफ कॉस थीटा इस साइड में और एफ साइन थीटा डाउनवर्ड साइड में। ओके, तो नॉर्मल का वैल्यू अगेन ऊपर, नॉर्मल ऊपर, एम जी नीचे, सो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एफ प्लस क्यों लगा, एम जी भी नीचे, एफ साइन थीटा भी नीचे, इसलिए बीच में क्या लगा है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस। अब देखो ऊपर लग रहा होगा तो माइनस सिंपली है और नीचे लग रहा होगा तो प्लस, हमको बस यही देखना है कि कौन सा चीज़ उसको बढ़ा रहा होगा या कौन सा चीज़ उसको घटा रहा होगा। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।